गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी हमने नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में स्कूल में 7D के क्वेश्चन नंबर 4th का F तक देख लिया था। दो क्वेश्चन बचे थे G और H, तो उसे पहले देख लेते हैं। G वाले में देखो 2.3 इज इक्वल टू n माइनस 1.7, ठीक है। n की वैल्यू हमें कौन सा वेरिएबल है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए 1.7 जो है नेगेटिव में है, उसको वहाँ ट्रांसफर करेंगे तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा, प्लस में, माइनस का प्लस में। फिर 2.3 में 1.7 प्लस कर देना तो आंसर क्या आ जाएगा, 4.0। तो आंसर n की वैल्यू क्या आ गई, 4.0 या 4, ठीक है। 0.0 लिखना नहीं होता है, 0। अब चेक करना है, चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन में जहाँ n है वहाँ पे n की वैल्यू पुट कर देंगे। राइट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड में n की वैल्यू पुट करी 4.0 माइनस 1.7। 4.0 में से 1.7 माइनस करोगे, 0 में से 7 नहीं जाएगा, आप उसको बनाओगे 10। 10 में से 7 गया 3, और यहाँ 4 का क्या हो गया, 3। 3 में से 1 गया 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2.3। 2.3 हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये क्वेश्चन क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, ठीक है। एच वाला देखो, x प्लस 10 इज इक्वल टू 12.5। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 10 को ट्रांसफर करना पड़ेगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। 12.5 में से 10 माइनस करेंगे ये देखो, तो आंसर क्या आएगा, 2.5। x की वैल्यू क्या आ गई, 2.5। चेकिंग के लिए ये जो x की वैल्यू आई है वो आप क्वेश्चन में रख दोगे, यहाँ x की वैल्यू रख दोगे 2.5, प्लस 10 करोगे तो 2.5 में 10 प्लस करोगे यहाँ पे, तो 12.5 हुआ। 12.5 राइट हैंड साइड आ गया, मतलब ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड, ठीक है। ये था हमारा 7D, यहाँ पे ख़त्म। फिर हम देखते हैं 7E। 7E में सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ ट्रांसपोजिशन, ठीक है। कौन सी मेथड से, बाय द मेथड ऑफ ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन मतलब ट्रांसफर करके, ठीक है। फर्स्ट x प्लस 2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। इसमें कौन सा वेरिएबल है, x। x की वैल्यू निकालने के लिए x को खाली करना पड़ेगा, उसके साथ 2 किस में है, प्लस में, वहां जाकर माइनस में। 6 में से 2 गया 4, तो x बराबर क्या आ गया, 4। सेकेंड क्वेश्चन, कौन सा वेरिएबल है, y। y की वैल्यू निकालने के लिए 7 को ट्रांसफर करना पड़ेगा, 7 नेगेटिव में, वहां जाके प्लस में। 13 प्लस 7 20, तो y बराबर 20। थर्ड वाला, कौन सा वेरिएबल है, p। p की वैल्यू निकालने के 2 जो है वो माइनस में है, उसके वहां जाएगा तो प्लस में। 5 प्लस 2 7, p इज इक्वल टू 7। फोर्थ और फिफ्थ आपके होमवर्क रहेंगे, आप इसे ट्राई करोगे, कल मैं चेक करूंगी। सिक्स्थ देखो, कौन सा वेरिएबल है, x। x के साथ 1/9 किस में है, इनटू में, ठीक है। तो 9 जो है वो डिवाइड में, डिवाइड को वहां ट्रांसफर करेंगे तो किस में हो जाएगा, इनटू में। तो 5 9 = 45। फिर x के साथ, अभी भी x खाली नहीं है, उसके साथ 1 जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो वहां जाके डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 45। सेवेंथ देखो, इसमें कौन सा वेरिएबल है, x। x के साथ 7.5 डिवाइड में है, तो डिवाइड को जब ट्रांसफर होता है तो किस में चला जाता है, इनटू में, और 1/2.5 ऑलरेडी वहां पे है। 7.5 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 7.5/2.5, ठीक है। अब हमने ये छोटी क्लासेस में पढ़ा था, पॉइंट को कैसे सॉल्व करते हैं। पॉइंट हटाते हैं तो नीचे जीरो लग जाता है, एक, जितने पॉइंट के बाद डिजिट है। तो यहाँ पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1, तो एक जीरो लगेगा। ऐसे ही इधर पे भी 1 है तो इसका ऊपर लगेगा, फिर वो 10 और 10 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा 75/25। पॉइंट हट गया, 75/25 दोनों 5 से जाते हैं। 75 कितनी टाइम्स में जाता है, 15 टाइम्स में, और 25 5 टाइम्स में। फिर ये और कैंसिल हो रहे हैं, 5 5 = 5, 5 3 = 15, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, x बराबर 3। एट्थ वाला देखो, 1.7 इज इक्वल टू 2D। कौन सा लेटर है, D। D की वैल्यू निकालेंगे, D के साथ 2 किस में है, मल्टीप्लाई में, वहां जाके डिवाइड में। 17/20, 17/20 को 17 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.85। नाइन्थ वाला देखो, z - 8 इज इक्वल टू -3। तो z के साथ 8 माइनस में, वहां जाके प्लस में, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 13 में से 8 गया 5, तो z इज इक्वल टू -5, ठीक है। टेंथ वाला होमवर्क रहेगा,
इलेवेंथ वाला देखो, कौन सा लेटर है जेड, जेड के साथ टू माइनस में है, वहां जाके प्लस में, माइनस 10 प्लस 2 माइनस 8। ट्वेल्थ वाला टी है वेरिएबल। तो देखो अब राइट हैंड साइड में पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन है, पहले मिक्स्ड को आप पहले फ्रैक्शन बना लेना। 18 अपॉन 5, 5 3 जा 15 और 15 प्लस 3 करेंगे 18 अपॉन 5। अब टी के साथ 9 मल्टीप्लाई में तो वहां जाके डिवाइड में, तो 5 ये अपॉन में चला गया 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 18 9 5 जा 45। ठीक है, फिर 18 को 45 से डिवाइड करेंगे तो 0.4। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको छोटा भी कर सकते हो, कैसे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 कर देना। ठीक है, फिर क्या होगा, 2 अपॉन 5 आ जाएगा, 2 अपॉन 5 को डिवाइड करोगे जब 5 0.4, तो आ गया 0.4। ठीक है, ओके, सब कोई अपना इतना कंप्लीट कर लेना, कल मैं चेक करूंगी कॉपी। थैंक यू।